नमस्कार। आज हम आलोक धनवा के द्वारा लिखित पतंग कविता का सार और इसकी कुछ विशेषीकृत बातें देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले कविता का सारांश सूक्ष्म शब्दों में बता रही हूँ, तत्पश्चात स्टेंजा वाइज व्याख्या होगी। पतंग कविता में शरद ऋतु की चमक और बाल मन की उमंग का सुंदर चित्रण हुआ है। भादों के धरासार बरसते मौसम के बाद शरद ऋतु आई। प्रकृति में चमकीली धूप और उमंग छा गई। बच्चे पतंग उड़ाने चले। मौसम साफ हो गया, आकाश मुलायम हो गया, पतंगें उड़ने लगी। बच्चे सीटियां और किलकारियां मारते हुए दौड़ने लगे। बच्चे मानो कपास लिए पैदा होते हैं। उनके पैर पूरी पृथ्वी पर घूम आने के लिए बेचैन होते हैं। वे छतों पर इस तरह बेसुध होकर दौड़ते हैं माने छतों कठोर न होकर के नरम हो। वे डाल की तरह पेंग भरते हुए से चलते हैं। उनकी गति पाकर दिशाएं मृदंग की भांति बजने लगती हैं। मृदंग यानी ढोल की तरह का एक वाद्य यंत्र होता है। खेलते हुए उनका शरीर इतना रोमांचित हो उठता है कि वही रोमांच उन्हें गिरने से भी बचाता है। मानो पतंगों की ऊंचाइयां उन्हें गिरने से रोक लेती हैं। बच्चे मानो पतंग के साथ ही उड़ते हैं। कभी कभी वे छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं, तब उनका साहस और आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है। प्रथम स्टेंजा कर रहे हैं। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटे बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। व्याख्या में भादों का महीना बीत चुका है। इस महीने में बहुत तेज बारिश हुई है। बारिश के बाद शरद ऋतु आ गई है। सर्दी की ऋतु आ जाती है, हल्की हल्की ठंड होती है। यह ऋतु इतनी उजली थी कि मानो अंधेरे के बाद सवेरा हुआ हो। शरद का सवेरा खरगोश की आंखों जैसा लाल भूरा था। शरद का उज्जवल मास इस तरह उमंग उत्साह और चमक से भरपूर होकर छा गया, मानो कोई उत्साही बालक कई पुलों को पार करके अपनी चमकीली साइकिल को तेजी से चलाते हुए जोर जोर से घंटियां बजाते हुए तथा पतंग उड़ाने वाले बच्चों को चमकीले इशारों से बुलाते हुए आया हो। आशय यह है कि शरद ऋतु में चारों ओर उत्साह है, उमंग है, धूप की चमक है, मीठा मीठा शोर है, खेलने के इशारे हैं और पतंगबाजी का माहौल है। यूं लगता है मानो शरद रूपी बालक ने आकाश को बहुत कोमल, साफ और मुलायम बना दिया है, जिससे कि आकाश में पतंग उड़ सके। पतंग दुनिया की सबसे पतली, हल्की और रंगीन चीज़ है। उसमें जो बांस की कमानी लगी हुई है वो बहुत ही पतली होती है। जब पतले कागज और कमानी से बनी पतंग आकाश में उड़ती है तो बच्चे खुशी के मारे सीटियाँ बजाने लगते हैं और किलकारियां मारने लगते हैं। पतंग से भरा आकाश ऐसा लगता है मानो यहाँ रंग बिरंगी तितलियों की चलती फिरती कोमल सृष्टि हो। दूसरे पद्यांश में जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास,
पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग में, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। कवि के अनुसार ऐसा लगता है कि बच्चे जन्म से ही अपने शरीर में कपास लेकर के आते हैं, यानी कि उनका शरीर बहुत हल्का होता है और उनके शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट और खरोंच वो सह सकते हैं। उनके पाँव में इतनी बेचैनी होती है कि वे सारी पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं, मानो सारी धरती पर घूम जाना चाहते हैं। उनके जीवन में बेहोश मस्ती होती है, इस वजह से उन्हें धूप, गर्मी, कठोर छत, दीवारों आदि का ज्ञान नहीं होता और वे छतों पर इस तरह दौड़ लगाते हैं कि जैसे वो छतें कठोर नहीं हो करके बहुत नरम हो। उनके पैरों से छतें भी नरम हो जाती हैं। उनकी लयपूर्ण पच्चाप के कारण सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा संगीत झूलने लग जाता है और प्रायः वे चलते हैं तो झूला झूलते हुए झोंकों के समान चलते हैं। वे छतों के खतरनाक किनारों पर पतंग उड़ाते हुए ऐसे लचक लचक कर झूलते हैं कि यूं लग रहा है कोई डाली लटक रही हो पेड़ की। इतना खतरा उठाते हुए भी जब वो बचते हैं तो अपने रोमांचित शरीर की मस्त लय के कारण बच जाते हैं, यानी गिरने से वो बच जाते हैं। पतंग की ऊपर ऊपर जाती हुई धड़कने उन्हें गिरने से रोकती हैं। वे पतंगे मानो अपने शरीर की डोर के सहारे इन तरंगित बच्चों को संभाले रखती हैं। थर्ड स्टेंजा, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेजी से घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। पतंग उड़ाने वाले बच्चे मानो पतंग के साथ खुद भी उड़ने लगते हैं। अपने शरीर के रोओं से निकालने वाले संगीत के सहारे वो उड़ना शुरू हो जाते हैं और गिरते नहीं हैं। लेकिन कभी कभार वो छत से गिर जाते हैं और बच जाते हैं, लेकिन जब वो बचते हैं तो पहले से भी अधिक उनका डर चला जाता है, यानी निडर हो जाते हैं। तब वे अत्यधिक उत्साह के कारण सुनहले सूर्य के समान प्रकाशित हो उठते हैं। तब वे अपने बेचैन पैरों से मानो सारी पृथ्वी को नाप लेना चाहते हों और सब और घूमना फिरना चाहते हैं। उनका उत्साह कई गुना हो जाता है। छतों पर खेलते हुए बच्चे पतंग के साथ भी मानो कल्पना के आकाश में उड़ते हैं और वे अपने शरीर के रंध्रों से निकलने वाले उत्साह और संगीत के सहारे उड़ रहे होते हैं। कविता के प्रश्न में आपको बता देती हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आपको बता रही हूँ। पहला है, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। भादो मास के गहरे कजरारे बादल दूर हुए, घनघोर बरसातें समाप्त हुई, उसके बाद खरगोश की लाल भूरी आँखों जैसा खिलता हुआ शरद काल का सवेरा आया। चारों ओर वातावरण साफ स्वच्छ और धुला धुला सा हो गया। धूप के कारण चारों ओर उज्जवल चमक बिखर गई है। हवाओं में एक मनोरम महक फैल गई है। आकाश मुलायम हो गया है। हवा के झोंके मंदे मंदे चलने लगे हैं। पतंगबाजी का उपयुक्त मौसम आ गया। प्रश्न है, सोच कर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। उत्तर है,
कवि पाठकों की आंखों के सामने पतंग के रंग, रूप, भार आदि का साकार रूप रखना चाहता है। उसकी विशेषता है कि ध्यान खींचने के लिए सबसे हल्की, सबसे रंगीन, सबसे पतला और सबसे पतली, ये प्रयोग इसलिए किए गए हैं ताकि पाठकों के मन में जिज्ञासा जागे, कुतूहल उत्पन्न हो तथा वे पतंग की ओर आकर्षित हों। जब भी हम किसी चीज़ को सर्वोत्तम कहते हैं, सारी दुनिया में सबसे बड़ा कहते हैं, तो पाठक स्वयं उस ओर आकर्षित हो जाते हैं। प्रश्न है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध है। उत्तर है, कपास बहुत हल्की, मुलायम, गद्देदार और चोट सहने में समर्थ होती है। यही गुण बच्चों में भी होते हैं। वे हल्के, फुल्के, कोमल, छरहरे और चोट सहने में समर्थ होते हैं। उनके पाँव की तलियों में मानो कपास होती है, तभी वे ऊंचाई से कूदकर भी चोट नहीं खाते हैं, बल्कि उनकी कूद से कठोर छत ही मुलायम प्रतीत होती है। प्रश्न है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है? उत्तर है, जिस प्रकार पतंग आकाश में उड़ती हुई ऊंचाइयां छूती है, उसी प्रकार बच्चे भी छतों पर निश्चिंत डोलते हैं। वे पतंग को उड़ता देखकर अत्यधिक उत्साह और उमंग से भर जाते हैं। तब वे ना तो खतरनाक ऊंचाइयों का ध्यान रखते हैं, न ही गिरने का। वे तो बस अपने शरीर के तरंगित संगीत की लय पर पतंग के समान उड़ते प्रतीत होते हैं। वास्तव में वे भी छतों पर उड़ती हुई पतंग हो जाते हैं। इस समानता के कारण ठीक ही कहा गया है कि पतंग के साथ बच्चे भी उड़ रहे हैं। प्रश्न है, पतंग नामक कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। पतंग कविता में वर्षा ऋतु के बाद सुहाने मौसम में पतंग उड़ाते बच्चों का उत्साह दिखाया गया है। इसमें एक ओर शरद ऋतु की खिलखिलाती हुई सुहानी ऋतु का वर्णन है, दूसरी ओर मस्ती, तन्मयता और उत्साह से भरपूर बच्चों का वर्णन है। भादों की घनघोर वर्षा के बाद शरद ऋतु ने ऐसे आँखें खोली जैसे खरगोश की लाल आँखें हों। चमकीली धूप ऐसी प्रतीत हुई मानो कोई उत्साही बच्चा अपनी नई साइकिल को तेज तेज चलाते हुए साथियों को चमकीले इशारे कर रहा हो। आकाश मुलायम हो गया है, आकाश में पतंगें उड़ने लगीं, हल्की, रंगीन, पतली कमानी वाली। बच्चों के झुंड सीटियां और किलकारियां मारने लगे, आकाश में मानो तितलियां सी उड़ने लगी। बच्चे कठोर छत पर ऐसे कूदते फलांगते हैं मानो वे कपास के बने हो। वे बेसुध होकर के दौड़ते हैं, उनकी पदचाप की आवाज़ से छत नरम हो जाती है, दिशाओं में मृदंग की मनोरम धुन बजने लगती है। बच्चों के शरीर पेंग भरते हुए से लचीले वेग से गति करते हैं। वे छतों के खतरनाक किनारों पर भी रोमांचित संगीत के कारण बचे रहते हैं। ऐसा लगता है कि वे भी पतंग के साथ उड़ रहे हों। यदि वे छत से गिर जाएं या बच जाएं तो और भी निर्भीक हो जाते हैं। उनके पैरों में मानो सारी धरती को घूमने के लिए बेचैनी हो गई हो। प्रश्न है, बच्चे कब निर्भीक हो जाते हैं? जब कभी बच्चे छत की खतरनाक दीवारों पर से नीचे गिर पड़ते हैं और वह बच जाते हैं तो उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है। वे फिर सूरज की सुनहली धूप से भी आगे बढ़ने का बल पा लेते हैं। प्रश्न है, शरद ऋतु की विशेषता का वर्णन कीजिए। शरद ऋतु भादों के घनघोर मास के बाद आती है। इन दिनों प्रकृति खिल उठती है, सुबह का आकाश नीलिमा से भरपूर होता है, धूप में ताजी चमक होती है, वातावरण में घंटियों का सा मनोरम शोर होता है, आकाश निर्मल स्वच्छ हो जाता है। ऐसे में बच्चे पतंगबाजी का भरपूर मजा लेते हैं।
प्रश्न है। बच्चों को कपास की तरह कोमल और उनके पैरों को बेचैन क्यों कहा है? बच्चे दीवारों से कूदते, फलांगते और दौड़ते भागते हैं, फिर भी उनकी तलियों में चोट नहीं लगती है। इसलिए इस कविता में कवि यह कल्पना करता है कि बच्चे कपास की तरह कोमल हैं, वे निरंतर भाग दौड़ में लगे रहते हैं, इसलिए कवि उन्हें बेचैन कहता है। प्रश्न है, पतंग उड़ाने वाले बच्चों की बेसुधी का वर्णन कीजिए। पतंग उड़ाते बच्चे पूरी तरह से तल्लीन हैं और वे पतंग के साथ पतंग बन जाते हैं और इस तरह उड़ते हैं मानो पतंग उड़ रही हो। उन्हें दीन दुनिया की, भूख प्यास की, गर्मी की, कंकर पत्थर की कोई परवाह नहीं होती है। उन्हें खतरनाक दीवारों पर चढ़ते, चलते और कूदते भी डर नहीं लगता है। वास्तव में वे पतंग डोर की लय के साथ पूरी तरह एकाकार हो चुके हैं। बच्चे निर्भीक कब हो जाते हैं? जब वो दीवारों से नीचे गिर पड़ते हैं तो वो निर्भीक हो जाते हैं और उनका डर चला जाता है। फिर वो सूरज की धूप से भी आगे जाने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। ये सब प्रश्न जो हैं, आज मैंने आपको आलोक धनवा जी के द्वारा लिखी हुई कविता पतंग के बारे में बताए। अगर आपको इसमें कोई सुझाव नज़र आता है तो आप मुझे बताएं, मैं उसको वीडियो में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।